जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके रीट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है जो 23 जुलाई को हुआ था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में। ये डी सीरीज का क्वेश्चन पेपर है, आपके पास कोई भी सीरीज हो आंसर आप देखते जाएं और आंसर की ही बात करेंगे इसमें, ठीक है। किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। तो पहला क्वेश्चन ये है डी सीरीज का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और आपका सेकेंड क्वेश्चन है ये बार बार बच्चों को सजा से बचने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछ रहा आरटी एक्ट के अनुसार कितने घंटे होने चाहिए, 45, तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षमता, यानी डी नंबर ऑप्शन। और इसमें पूछा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसमें छात्र और शिक्षक के मध्य में अंतक्रिया हो या इंटरेक्ट हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, तो हम कहेंगे एक शोध जैसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। NCF 2005 एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए तो वो एक सुविधा प्रदाता, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विकास होता है तो वो सामान्य से विशिष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 10वीं का हमें मिलान करना था, तो देखो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ इसमें, आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो आपका एक बार इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश देख लेंगे उसमें आसानी होगी, क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल और आपका सेपर उपोडर इसमें पहला हो जाएगा, जैसे कि प्रॉक्सिमो डिस्टल है वो डी से मिल जाएगा, ठीक है, और आपका सेफेलोकोडल है वो आपका ई से मिल जाएगा, और इसके अलावा जो आपका इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है वो आपका बी से मिल जाएगा, और इसके अलावा जो आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस है वो आपका सी से मिल जाएगा। इस प्रकार आपके ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका 11वें नंबर का है, प्रकृति एवं पोषण, इस प्रकार पूछा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी और वातावरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो वो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बता, इसे विकास कहेंगे, यानी जो डेफिनेशन है ये विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से हो जाएगा, आप सवाल करने की आयु है वो आपकी 4 से 6 वर्ष, जिसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, उसकी एक विशेषता नहीं पूछी थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसके अलावा ये बताना है कि ये आपके थॉमसन से संबंधित है, जिसने प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था बुद्धि में, और इसमें प्रक्षेपी है, तो प्रक्षेपी इसमें से हो जाएगी आपकी TAT, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली 140 मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना चाहिए, तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कैसे, ऑप्शन नंबर डी से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपके RPSC 2018 में या 16 में पूछा हुआ है, सेम ये मानसिक आयु 12 वर्ष आएगी इसकी, ठीक है। और ये भी सिंपल क्वेश्चन था, टर्मन का विधि लब्धि सूत्र पूछा था, तो ये टर्मन से ही संबंधित है, और बाकी सृजनात्मकता अपसारी से संबंधित है। और आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, तो ये आपके पूछा है आइसेंक से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली की विशेषता होगी तो वो 1 और 2 नंबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 और 2 के इसमें बी नंबर में, तो बी हो जाएगा ये। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, दो विपरीत इच्छाओं को हम द्वंद्व कहेंगे, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये आपकी जो भी डेफिनेशन दे रखी है, ये विशेषता दे रखी है, किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपकी स्किनर की डेफिनेशन है, और इसमें बताएंगे तो हम सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। और आपके 28 नंबर क्वेश्चन में कहेंगे कि पुनर्वलन का सिद्धांत नहीं है इसमें से, तो वो आपका हो जाएगा, इसमें से पूछा है कि पुनर्वलन का सिद्धांत भी है, तो यानी किसने दिया है ये, तो स्किनर हो जाएगा क्रिया प्रसूत, इसमें पुनर्वलन सही है, स्किनर ही रहेगा। और इसके अलावा ये पूछा है आपसे कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक इसमें से उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा 30 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है कौन अधिगम से संबंधित नहीं है, तो वो ब्लूम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन्होंने फर्स्ट भाषा हिंदी के रूप में ली है वो देख लें। जैसे कि इसमें पूछा है आपके भाषा कौशलों की अभिव्यक्ति का कौशल कौन सा है, तो वो बोलना और आपका लिखना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुलेख कौशल से संबंधित है, इसमें से हमें बताना है अनुलेख, तो वो आ जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन।
यानी कह सकते हैं अनुलेख लेखन से संबंधित हो जाएगा, लिखवा कौन श्रव्य से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला में सम्मिलित नहीं है, ये थोड़ा कन्फ्यूज है, आप देख लेना इसे, या तो नियंत्रण कक्ष होगा या विश्राम कक्ष होगा, इन दोनों में से होगा, तो आप देख लेना अपने इस तरह से। इसका राइट आंसर कन्फर्म मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें से आपको मौखिक का उपयुक्त कथन बताना था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पी नंबर ऑप्शन। और आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो कन्फर्म नहीं मालूम है, लेकिन ब्लूम के साथ जाएंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर, ये कह रहा है कि विद्यार्थी सीखने से संबंधित कठिनाई को दूर करते हुए या करवाई जाने वाला शिक्षण कहलाता है, तो हम उसे उपचारात्मक कहेंगे, ठीक है। उपचारात्मक वैसे परिचय बोलते हैं, यहाँ पर शिक्षण लिख रखा है, तो हम इसी पे जाएंगे। तो विद्यार्थी सीखने से संबंधित कठिनाई को दूर, तो सही है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां है, इसमें से दोष बताना है सीसी का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बहुत सारी बुकों में इसके 5 निर्माण के पद बताए हैं, लेकिन 4 ही है जो इसमें दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, ये कह रहा है कि बेसिक शिक्षा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी और सी इनमें कन्फ्यूज है, लेकिन हम जाएंगे बी नंबर ऑप्शन पर, सामाजिक पर्यावरण। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, ठीक है, 43 नंबर का डी। क्वेश्चन नंबर आपका है 44, इसमें से बताना है कि आपकी परिवेचित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है, आप इसे अपने स्तर से देख लें। इसका राइट आंसर हमें नहीं मालूम है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो ये आपके प्राथमिक स्तर पर ही होता है, तो ऑप्शन नंबर एक सही। आपका जो गद्यांश, इसमें से आपको देख के क्वेश्चन लगाने होते हैं और जो पूछा है, ठीक है, इसमें से बताना है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। सदा प्लस एब हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विस का पर्यायवाची हो जाएगा तो वो आपका गरल हो जाएगा, विरोधी का विलोमार्थी हो जाएगा समर्थक हो जाएगा, और आपका गद्यांश में मनोदशा की या मनोदशा से आशय क्या रहा है, तो हम कहेंगे मन की दशा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य शब्द है तो हम कहेंगे ये एक जातिवाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपके नेक्स्ट गद्यांश दे रखा है और इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे हैं। 51 क्वेश्चन नंबर है कि मूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ना होगा, तो ऑप्शन नंबर एक सही है। निधियाँ शब्द का एक वचन होगा तो वो आपकी निधि हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है वाक्य में कौन सा काल है, तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर है भाव शब्द है तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। कितने अंग हैं या भाग माने जाते हैं, तो वो दो माने जाते हैं उद्देश्य उपदेश, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, तो रचना के आधार पर इसमें से देखा जाए वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, 8 प्रकार के होते हैं आपके अर्थ के आधार पर, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो गया था। 58 नंबर, दो शब्दों के जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा होता है, तो हम उसे योजक शब्द कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डाक के 3 पात का अर्थ क्या होता है, तो हमसे डाक के 3 पात का मतलब होता है सदा एक जैसी स्थिति बनाए रखना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और बाकी बहुत लज्जित होना, तो हम कहेंगे बहुत लज्जित होना, तो घड़ों का पानी पड़ना, टोपी उछालना, डंका बजाना, तो हम कहेंगे घड़ों का पानी पड़ना, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी भाषा सेकंड के रूप में आपने संस्कृत लिए, ये उनका संबंधित उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें देख लेते हैं संस्कृत के किस प्रकार इसमें क्वेश्चन बने हैं भाषा सेकंड के रूप में। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 65 का राइट आंसर हो जाएगा कतवतो, तो ऑप्शन नंबर ई ही सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 66 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप कह सकते हैं इसमें उपसर्ग बताना, तो वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर
सेवन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 67 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, और आपका 69 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, और 70 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुपदी समास, और आपका 72 का राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, और 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा जो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार नंबर ऑप्शन, और आपका 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है सार्ध सप्तवादने, और आपका 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीन नंबर ऑप्शन, और 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, और 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, और 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, और 80 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, और 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो एक नंबर ऑप्शन, इसके अलावा क्वेश्चन 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, और आपका 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 84 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर ऑप्शन, 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीन नंबर ऑप्शन, और 86 का राइट आंसर हो जाएगा वो एक नंबर ऑप्शन, और 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, और आपका 88 का राइट आंसर हो जाएगा इसे कह सकते हैं हम तीन नंबर ऑप्शन, और 89 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, और आपका 90 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके मैथ का पोर्शन है, इसमें देख लेते हैं किस प्रकार राइट आंसर होने वाले हैं। इसमें पूछा है कि आपके गणित में जो स्लाइड रूल का उपयोग किया जाता है तो हम इसे गणना से संबंधित करते हैं, यानी गुणन करने या भाजन करने में, यानी इसे एक शब्द में बोले तो ये गणना से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल किससे उपयुक्त रहेगा तो वो प्रयोगशाला विधि से रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका क्षेत्र है वो सीमित नहीं होता है, कैसा होता है, व्यापक होता है या विस्तृत होता है, इस प्रकार बोल सकते हैं। शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है तो वो आपके लैटिन भाषा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य का संबंधित अंतर्गत रखा जाता है तो वो आपके कौशल से भी रखेंगे बोध से भी, इसमें दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है इसमें 96 है, और 96 का राइट आंसर अगर देखें इसमें क्या पूछा है हमें, इसमें पूछा है 10,20,305, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा इसका, 10,20,305, तो ऑप्शन नंबर एक सही है। इसमें से बताना है आपको 97 में कि ये आपको ये संख्या दे रखी है और सबसे बड़ी छोटी बना के इनमें से आपको अंतर निकालना है, उस अंतर में से संख्या बताना है कि इनमें से किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5 से। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि इसमें से 5 का स्थानीय मान नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर इसमें से देखें तो सी हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका है 99 है तो 99 में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 में हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, कौन सा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका है 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम कह सकते हैं इसमें से डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 102 नंबर है, आपको 420 के अभाज्य गुणनखंड बताने थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये बताना था कि इनमें से दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त होता है वो 60 है, तो महत्तम समावर्त 5 है, तो इसमें से आपको ये बताना है संख्या कौन सी होंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 104 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 105 नंबर, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 दिन।
क्वेश्चन नंबर आपका 106, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 107 हो गया था, अब 108 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। और 109 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 110 नंबर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर आपका 112 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 112 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, और 114 भी का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और आपका 115 भी का राइट आंसर हो जाएगा 52 परिमाप आएगा, जो यह सेंटीमीटर देगा है वर्ग मीटर दे रखा है, तो इसमें आएगा परिमाप, इसका में दे रखा है आपका, इसमें किसी भी इकाई में नहीं दे रखा है, तो वो 52 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और ये परिभाषा थी, ये आपके कलात्मक से संबंधित थी, और इसके अलावा रीचर करो और सी को ये प्रयोगशाला विधि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गणित की सभ्यता, ये आपके हॉगमैन से संबंधित है, और आपका निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन। और आपका 120 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में शिक्षण के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए, तो वो व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार आप देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, ये आपके ईवीएस का पोर्शन है, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकते हैं, इसमें पूछा है रबी की फसल है वो आपकी अलसी हो जाएगी, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और इसके अलावा बार केंद्रित शिक्षा का तत्व नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा निष्क्रियता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राचीन काल में संचार का माध्यम क्या हुआ करता था, तो हम एक तरह से मैसेंजर बोल सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सर्वदृश्य सामग्री का उदाहरण होता है, तो हम इसमें से अगर देखें तो टेलीविजन हो जाएगा। और इसके अलावा फुल्डोर का महोत्सव है, ये आपके साफरा से संबंधित है। और इसके अलावा आपके पिताजी के साले की माँ की आपका क्या रिश्ता होगा, तो वो आप कहेंगे नानी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, वो बुध हो जाएगा। इसके अलावा ये क्रॉसिंग किससे संबंधित है, आप खुद कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पंजा क्या है, तो वो आपके राष्ट्रीय शक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, 131 है, इसमें पूछा लाचा गुजरी किससे संबंधित है ये प्रार्थना, तो ये आपके तेजा जी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बताना था 132 नंबर क्वेश्चन में आपको, इसमें पूछा है आपको कि सड़क मार्ग में यातायात जो साधन चलते हैं उनका समूह का क्रम बताना था, तो वो आपका इसमें से अच्छा क्रम बताना है, सही साधनों का क्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रक, बस, ई रिक्शा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसमें से बताना है प्लेटलेट्स की कमी डेंगू में हो जाती है, ऐसी कमी प्लेटलेट्स की। इसके अलावा आपका राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, वो भीलवाड़ा हो जाएगा। और सोनार दुर्ग है, ये आपकी जैसलमेर में है। और नेक्स्ट है, राजस्थान के समुदाय में वन एवं वन्य प्राणी संरचना उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन चुका है, तो ये आपके हो जाएगा बिश्नोई समाज, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो आपके चैत्र मास शुक्ल पक्ष के तेरस के दिन मनाई जाती है, वो आपकी महावीर जयंती। और आपके हिमाचल प्रदेश में जो आपका जल संग्रहण किया जाता है, उस संकल्पना को कुल्हा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नमामि गंगे है, वो 2014 में स्टार्ट की गई थी। मगरमच्छ है, वो आपके सरीसृप रेप्टाइल्स बोलते हैं इसे, रेप्टिलिया वर्ग, तो उसमें आता है। और सूर्य नगरी है, ये आपकी जोधपुर हो जाएगी। जो आपका पूछा है, इस एक तरफ तो आपको हार्मोन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका कार्य दे रखा है, तो वृद्धि हार्मोन है, ये आपके संबंधित हो जाएगा पी नंबर से। और इंसुलिन है, वो आपकी रक्त शर्करा से।
और टेस्टोस्टेरोन है वो नर विषण से संबंधित हो जाएगा या नर लैंगिक लक्षणों से, प्रोजेस्टेरोन है ये मादा से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, खादी के जो वस्त्र बने होते हैं उन पर विशेष छूट होती है, वो आपके 2 अक्टूबर को होती है। और आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है कि पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है, तो हम कहेंगे वहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है इस वजह से। इसमें से बताना है कि अजैविक घटक है वो वायु हो जाएगा। कौन सा रेशम कीट के भोजन से संबंधित है, कौन सा उन्हें खाते हैं ऐसे बोल सकते हैं, तो वो जामुन की पत्ती खाते हैं या सैतूत की खाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और तंबाकू में कौन सा एल्किलॉइड पाया जाता है, तो वो आपका निकोटिन एल्किलॉइड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेबीज रोग का कारक क्या है, तो वो आपका वायरस होता है। और आपके जंतु से प्राप्त रेशा कौन सा है, तो हम उसे रेशम ही बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, तो हम मानवीय स्रोत नहीं कहेंगे तो वो ह्यूमरस पदार्थ हो जाएंगे, तो मानवीय स्रोत नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर ने ये आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं इसका।